नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां छोटा प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें कैप्टन विमल की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि चौराहटा हवाई पट्टी से उड़ा प्रशिक्षु प्लेन समीप के गांव उमरी में क्रैश हो गया था। बताया जाता है कि आम के पेड़ में टकराने के बाद मंदिर के गुंबज में टकराया है, जिसके बाद एरोप्लेन के चिथड़े उड़ गए। शोर सुनकर पास के रहवासी मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पहले तो समझा कि कोई वाहन का एक्सीडेंट हुआ है। मलबा देख जानकारी हुई, प्लेन में पायलट विमल और एक अन्य प्रशिक्षण ले रहा सोनू यादव नाम का युवक सवार थे। घटना के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने प्लेन में फंसे पायलटों का बेड काटकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि आज अपने नेता कैप्टन विमल की मौत हुई है और ट्रेनी सोनू घायल है। शाम तक मुंबई से टेक्निकल टीम पहुंचेगी, जिसके बाद जानकारी हो पाएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था। आइए आपको सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। कब की घटना बताई जा रही है और कैसे पता चला? कल रात में 11:30 बजे की घटना है। हम लोग सो रहे थे अंदर, जोर से आवाज आई तो निकल के देखा तो यहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। फिर जब पास में जाके देखा तो दो पायलट उसमें दबे हुए थे। उनको फिर हम लोग निकलवा के और यहाँ पे सूचना दिया हवाई पट्टी में, वहाँ से उनके कर्मचारी लोग आए तो लेके गए हॉस्पिटल, एडमिट किए, ट्रीटमेंट वगैरह। क्या जानकारी मिल पा रही कि क्या कहते हैं कि मुख्य पायलट जो थे उनका? हाँ, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मुख्य पायलट थे वो एक्सपायर हो चुके हैं और जो दूसरे थे वो घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। क्या कारण, क्या पता चल पा रहे हैं कि किन कारण से ये घटना हुई? अभी कोहरे की वजह से कुछ बता रहे हैं कुछ लोग जो हवाई पट्टी से आए हुए हैं, कुछ कर्मचारी उनके पायलट लोग बता रहे हैं घने कोहरे की वजह से रूट से भटक गया है प्लेन। आप लोगों ने ही उन्हें नीचे? हम लोगों ने ही वहां से, प्लेन में फंसे हुए थे वो लोग तो हम लोग भी वहां से निकाल के फिर सूचना दिए, हॉस्पिटल भेजवाया उनको। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रताप सिंह। ये कल रात में 11 बजे के आसपास जो ट्रेनी यहाँ पर प्लेन चल रहा था उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से दो लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे, उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे, तब तो हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि हादसा क्यों घटित हुआ है। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतने नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है? ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लीयरेंस ATC से होता है, उन्होंने क्लीयरेंस लिया था जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। कोई अनुमति ली गई? वो ATC से क्लीयरेंस रहता है और प्रशासन से अनुमति पूर्व में इनको ट्रेनिंग के लिए थी और ATC से जो क्लीयरेंस का रहता है वो ATC से आता है हम लोगों को। इसमें दो लोगों का हमें जानकारी प्राप्त हुई है, एक ट्रेनर थे कैप्टन विमल और दूसरा जो ट्रेनी था वो उसका नाम सोनू यादव है, 22 वर्ष का है। कैप्टन की मृत्यु हो गई है, जानकारी जो प्राप्त हो रही है हम लोगों को हादसे के दौरान, और जो ट्रेनी है सोनू यादव वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, 22 वर्ष उसकी उम्र है। कई दिनों से मौसम को अलर्ट जारी है, मौसम को लेकर इसके बीच घने कोहरे के बीच इस तरह की ट्रेनिंग करना? हाँ, अब वो ATC से क्लियरेंस होता है, जो ऊपर का एरिया होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो डिपार्टमेंट देता है, तब उसके बाद ही हवाई जहाज की यात्रा हो पाती है। उसके साथ कई सारे घर हाँ, अब यहाँ पर हुई है घटना, मंदिर से टकराया है उसके पश्चात से हो गया है दुर्घटना, कोई आम जन धन की हानि नहीं हुई यहाँ पर, ना ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई, जो थे वही दोनों लोग वही हताहत हुए हैं इस मामले में।